नमस्कार, यूसेन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आप और हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और करीब करीब 80% जनता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि व्यवसाय से कहीं ना कहीं जुड़ी है। और फसलों की अगर हम बात करें तो कॉटन क्रॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है पूरे देश का, और उसे वाइट गोल्ड भी सही तरीके से कहा गया है, वाइट गोल्ड। लेकिन दुर्भाग्य से इस वाइट गोल्ड पर, यानी कि कॉटन पर, एक बोलवर्म जो है, जिसका नाम है पिंक बोलवर्म, ये एक पेस्ट है जो अटैक करता है और इसे काफ़ी क्षति पहुंचती है किसानों को। तो ये क्षति न पहुंचे, इस हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं भारत में। उनमें से एक अहम प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं बंधन। बंधन प्रोजेक्ट क्या है और इसको किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया, इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे हम। अलावा इसके किसानों को इससे क्या लाभ होने वाला, ये भी बात करेंगे हम। और उससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, मैं परिचय देना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ बीच में SABC के, यानी कि साउथ एशियन बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर के, श्री चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये फाउंडर डायरेक्टर भी SABC की, साथ साथ में मेरे मित्र डॉक्टर CD माई और श्री रवि बोरटकर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जो एग्रोविजन से जुड़े हैं। इनके एक संयुक्त तत्वाधान से एक प्रोजेक्ट शुरू है कलमेश्वर में, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और किसानों के लिए ये खासकर बहुत ज़रूरी है, ये प्रोग्राम देखना। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, मैं माई साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि कॉटन का क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया में, और कॉटन क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्रॉप हो जाता है? कॉटन इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो दुनिया में जितने कॉटन है उससे 25% कॉटन जो है वो इंडिया में हम प्रोड्यूस करते हैं जी। और हमारी जो इकोनॉमी है ये कॉटन ओरिएंटेड इकोनॉमी है इंडिया की, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी जो निर्भरता है। और कॉटन का जो, जिसके ऊपर लेबर है, जिसके ऊपर जो इंडस्ट्री है, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व है। करीब करीब जितने हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो 1/3 एम्प्लॉयमेंट जो है ये कॉटन के ऊपर होते हैं, इसलिए ये कॉटन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और पर्टिकुलरली हम जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में करीब करीब 40 लाख हेक्टर एरिया है, 1/3 एक एरिया जो है भारत की ये महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी विदर्भ और मराठवाड़ा के देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट दोनों मिलके 32 लाख हेक्टर एरिया हमारा इसमें आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारे लिए, इसलिए इसको, इसमें इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इसके माध्यम से हमारे फार्मर्स को भी बेनिफिट होना, हमारी इंडस्ट्री भी उसके माध्यम से बेनिफिट होना, इसके लिए हमारे सारे प्रयास जो है कॉटन के लिए चलते रहते हैं। बघेल चौधरी साहब, मैं आपसे अगर रूबरू हूँ और पूछूँ आपसे कि ये जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, जिसका नाम है बंधन? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र एग्रोविजन फाउंडेशन के साथ मिलके पिछले 3 सालों से विदर्भ में पर्टिकुलरली कपास के अंदर उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उसकी जो ईल्ड है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, और BT कपास की वजह से जो किसानों को फायदा हो रहा है वो कंटिन्यूसली फायदा कैसे चले, इसके लिए हमने ये देखा कि पिछले 3 साल के अंदर जो गुलाबी बोंडली की बहुत भयंकर समस्या विदर्भ को देखने को मिल रही है। हमारे पिछले 3 साल का जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम हमने चलाए वो किसानों को गुलाबी बोंडली के बारे में अवेयरनेस करवाने का प्रोग्राम था, लेकिन हमने ये देखा कि खाली अवेयरनेस से बोंडली की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर माई के गाइडेंस में और दुनिया भर के बहुत सारे वैज्ञानिकों से बात करने के बाद हमें ऐसा लगा कि इधर एक ऐसी नई तकनीक, तंत्र ज्ञान है जो अमेरिका में, इसराइल में, ब्राज़ील में जिसका उपयोग हो चुका है, उसके माध्यम से मतलब इसी पिंक बोलवर्म को लेकर, इसी पिंक बोलवर्म को लेकर, तो उन्होंने गुलाबी बोंडली की जो समस्या थी उनका बहुत अच्छे से समाधान किया है। तो इसके लिए जो ये नया तंत्र ज्ञान, हम जो आज विदर्भ में हमारे देश का सबसे बड़ा 300 एकड़ के ऊपर आज एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किसानों के खेतों में इस खरीफ सीजन में चल रहा है जी। इस तंत्र ज्ञान में, जिसका हमने प्रोजेक्ट बंधन के नाम से किसानों के साथ हम मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो नई तकनीक है ये बेसिकली फेरोमोन टेक्नोलॉजी एक होती है। फेरोमोन क्या होते हैं? ये सीमियो केमिकल होते हैं, एक सब्सटेंसेस होते हैं जो मादा रिलीज करती है नर को अट्रैक्ट करने के। तो हम लोग इस तकनीक के माध्यम से फेरोमोन को इस तरह से खेतों में लगा रहे हैं, ऐसी नई तकनीक का जो इजाद किया है जिसको खेतों में लगा रहे हैं, जिससे कि नर जो है वो मादा को ढूंढ नहीं पाएगा। जब नर मादा को ढूंढ ही नहीं पाएगा तो उनके अंदर मेटिंग नहीं होगी और उनका प्रजनन बिल्कुल रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, खेतों में जो
पत्तियों के ऊपर पतंगे जो अंडे देते हैं उन अंडों की समस्या खत्म हो जाएगी और बॉन्ड एली का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू सर। एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसके फिरोमोन्स को अगर आप केमिकल के थ्रू रिलीज करके उसको आने नहीं दोगे तो फिर ये अंडे अंडे का सवाल ही नहीं आता। हाँ जी, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फेरोमोन एक नेचुरल केमिकल सब्सटेंस जो मादा निकालती है नर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो तकनीक है किसान काफी टाइम से मॉनिटरिंग के लिए खेतों के अंदर फेरोमोन ट्रैप लगा रहा है। जो फेरो ट्रैप लगाएगा, ट्रैप के अंदर जब मौत जो आएंगे मेल आएंगे उसमें ट्रैप हो जाता है, उस फनल के अंदर आके ट्रैप हो जाएंगे। उसकी काउंटिंग के बेसिस के ऊपर किसान एक ETL नाम का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसमें अगर ये जो पतंगे हर 8 पतंगे अगर आपको कंटिन्यूसली 3 दिन आ रहे हैं इसका मतलब आपके खेत के अंदर कीटनाशक का उपयोग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। हम जो ये तकनीक यूज कर रहे हैं इसको फेरोमोन खाली ट्रैपिंग के लिए नहीं कर रहे, मॉनिटरिंग के लिए नहीं कर रहे, हम उसका जो मेटिंग होने वाला है उसको होने नहीं देंगे। एक्चुअली जो नर है उसको गुमराह कर देना, ये तकनीक जो PB-NOT तकनीक है ये जापान से लाई गई तकनीक है, इंडिया के अंदर PI इंडस्ट्रीज ये तकनीक लेके आ रही है। इसको भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंदर जो कीटनाशकों का अप्रूवल दिया जाता है जिसको हम CIBRC संस्था बोलते हैं, इन्होंने 2019-20 के अंदर इसका अनुमोदन भी कर दिया है। हाँ। और ये देश का सबसे बड़ा मेटिंग डिसरप्शन का प्रयोग हम कर रहे हैं। अगर हम इस प्रयोग में सक्सेसफुल रहते हैं तो ये तकनीक न सिर्फ बॉन्डली की समस्या के छुटकारा मिलाएगी बट जो हमारे यहाँ पे फॉल आर्मी वॉर्म जो कपास मक्का के अंदर समस्या आ रही है उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है, मतलब लेकिन वहाँ अलग फेरोमोन यूज करेंगे, मतलब डिफरेंट फसलों पर ये एक्सपेरिमेंट आगे चलकर हो सकता है फ्यूचर प्लान्स। ये जो फेरोमोन की बात की आपने, ये एक सिंथेटिक केमिकल है या फिर बाद में नेचुरली सीक्रेट को एक्सट्रैक्ट किया ऐसा कुछ किया? तो ये जो सब्सटेंस है ये एक्चुअली जो मैंने आपको बताया सीमियो केमिकल है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड का मिक्सचर आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हैं उसको मिक्स कर रहे हैं उसमें, और मिक्स करने जैसे आप मिक्स करोगे कितने प्रपोर्शन में मिक्स करते हो, जो इसमें गॉसिप्ल्यूर है तो गॉसिप्ल्यूर के 2 कंपाउंड को मिक्स किया गया है, और ये जो कंपाउंड है ये जो केमिकल है ये सिर्फ बॉन्ड एली को ही हिट करता है। हाँ। दूसरे किसी भी जो पेस्ट जो है जो उनको नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे गुलाबी बॉन्ड एली की समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है, अगर हम इसका निदान नहीं करेंगे तो BT कपास की वजह से जो किसानों को फायदा होता है वो फायदा कम होने लगे। हाँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये तकनीक हमारे देश में जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है डॉक्टर माई साहब के और एग्रोविजन फाउंडेशन के कोलाबोरेशन में, इसको हम कैसे लार्ज स्केल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें और किसानों को इसके प्रति इसके जो बेनिफिट है उसकी तरफ आकर्षित कर सकें, ताकि आने वाले समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसान कम्युनिटी बेसिस के ऊपर हर गांवों के अंदर आप ये एक्चुअली 20 सेंटीमीटर लंबा धागा होता है जिसके अंदर फेरोमोन का इनकेसिंग होता है और ये इसमें छोटे माइक्रो पोर्स होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर जो आप उसको जैसे एक बार वेपर्स रिलीज होते हैं उसमें से रिलीज होते हैं। ये जो रिलीज है ये जो मादा रिलीज करती है जो उत्सर्जन करती है सिमिलर टू दैट, एग्जैक्टली सेम टू दैट। अच्छा, राखी जैसा है। हाँ। उसको राखी बोलते हैं, राखी बंधन। तो अभी राखी बंधन हो गया। हाँ, उसको आप पेड़ को बांधो। हाँ। जैसे 40 साल का पेड़ हो गया, 40 दिन का। हाँ। उसको बांधो, बस हो गया। अच्छा, तो एक दिन में आप करीब करीब 8-10 एकड़ बांध सकते हैं। सारे पेड़ को बांधने की जरूरत नहीं, 150-150 आसपास जहाँ भी वो फ्यूम्स वगैरह, तो इसके अंदर डिस्टेंस रहता है, इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर इसका टाइंग करते हैं, टैगिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो क्योंकि ये जो धागा 20 सेंटीमीटर होता है इसके अंदर एक छोटा बहुत पतला एल्यूमिनियम का वायर होता है, तो आप उस धागे को जैसे चाहो इसे मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल है। हाँ, फ्लेक्सिबल है। तो इसके अंदर 2 तरीके जो हमें अपनाने की जरूरत है। पहला तो ये है, क्योंकि ये जो पतंगे हैं ये उड़ के काफी डिस्टेंस तक जा सकते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सारे किसान विलेज लेवल पे कम्युनिटी मोड में महाराष्ट्र सरकार आ गया है और कृषि विभाग कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए जिसके तहत गांवों में जहां पे बॉन्ड एली की समस्या ज्यादा है लार्ज स्केल आपको करना पड़ेगा, तब ये सक्सेसफुल हो सकता है। इन्होंने कहा ना कि बेस्ट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी लेवल पे कोई भी काम हो
तो वो सक्सेसफुल होता yes. है। एक दो किसान करके हो जाने, क्योंकि ये जो पतंगे उड़ के दूसरे जगह जाके जाएंगे उसका नुकसान करेंगे। करेक्ट। तो ये विलेज लेवल पे, इसीलिए हमने ये जो प्रोजेक्ट 300 एकड़ पे लिया है, एग्रोविजन फाउंडेशन का काम यही था कि आइडेंटिफाई फार्मर्स को करना, गांव को करना, 400-500 फार्मर्स को इकट्ठा लाना, और ये सारे ब्लॉक हमने 3 विलेजेस में ये प्रोजेक्ट किया है। गड़मेश्वर के पास वरोड़ा एक है, आदासा है, और एक बेट बांद्रा। तो इसमें हमारा काम ये था एग्रोविजन का, इन्होंने हमें टेक्नोलॉजी लाया, हमने उनको आइडेंटिफाई किया, हमने उनको कॉटन के सीड दिए, उन्होंने लगाए, अभी हम उनको वो बांधा उनके लिए, अभी इसका हम ऑब्जर्वेशन ले रहे। तो क्या अभी तक क्या ऑब्जर्वेशन निकला? अभी तक तो हमें ऐसा इफेक्टिव रहा है कि इस साल वैसे भी थोड़ा सा इंसिडेंट अभी कम है, अभी यहाँ से शुरू हो जाएंगे, जैसे अभी बारिश कम होती है, धूप पड़ता है, वैसे अभी वो जो नर निकलना शुरू हो जाते हैं, नर मादा। तो ये अभी देखने की है, इसलिए हम डेली हम हर वीक में खेतों में भेज रहे हैं लड़कों को। अच्छा। और उसका ऑब्जर्वेशन ले। देखो इसमें आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर माही साहब ने कहा है, हमने बड़ा एक्सपेरिमेंट लेआउट किया, उस लेआउट के अंदर हमने ट्रैप भी लगाए, ट्रैप लगाए ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें कि नर खेत में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो हमने 30 ट्रैप, 3 इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग ट्रैप, CICR नागपुर से, क्योंकि वो हमारे तकनीकी सहयोग दे रहे हैं जो कपास संस्थान है, इसके अलावा NBIR ये ICR का दूसरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी हम एक फेरोमोन ट्रैप लेके आए, और एक प्राइवेट कंपनी हैदराबाद से फेरोमोन केमिकल से भी ट्रैप लाएँ। इन ट्रैप के माध्यम से हम ये भी देख रहे हैं कि कौन से ट्रैप इन नर को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, ताकि उन ट्रैप की इफिकेसी को भी हम जान सके। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, ये जो धागा जो हम बांध रहे हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट बंधन, मतलब रक्षा करना पौधे की, कोई डैमेज नहीं है, जैसे भाई बहन की रक्षा करते हैं रक्षा बंधन पे, उसी के नाम को हमने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसीलिए हमने बंधन नाम दिया है। हमने इस प्रोजेक्ट में 2 PhD एंटोमोलॉजिस्ट पूरी सीजन के अंदर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हैं, ये बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, सारी ऑब्जर्वेशन जो फेरोमोन ट्रैप में कितने नर आ रहे हैं, इसके अलावा कितना फ्लावर का जो है वो कैसे डैमेज हो रहा है, उसके बाद बॉल्स जो ग्रीन बॉल को क्या डैमेज हो रहा है, उनकी ऑब्जर्वेशन हर वीकली बेसिस के ऊपर एक फॉर्मेट के माध्यम से ले रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इसके माध्यम से कितना बड़े लेवल पे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। और एशिया जैसे कंट्रीज में ये बहुत काफ़ी उपयोगी साबित होगा, बिकॉज द क्लाइमेट एनवायरमेंट या फिर सॉयल वगैरह को लेकर जहाँ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आपने 300 एकड़ ज़मीन बताई, तो इसको आप क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्लस्टर में, तो क्या उद्देश्य क्या है क्लस्टर्स में कि डिवाइड करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आप या प्रोजेक्ट्स? हमने इसलिए इन्होंने जैसे बताया कि भाई आप जब तक बड़े पैमाने पे आपको इसको लगाएगी नहीं तो इसका इफेक्ट दिखेगा नहीं, तो हमने 60-60 एकड़ के 5 ब्लॉक बनाए हैं। जैसे एक विलेज में हमने 60 एकड़ के 2, जहां एक के बाद दूसरा खेत भी कॉटन है, तीसरा खेत भी कॉटन है, 14 के, तो ऐसे 60 एकड़, तो करीब करीब अब जैसे 60 एकड़ है तो उसमें हमारे 40 फार्मर्स आ जाते हैं, दूसरा 60 एकड़ है उसमें कुछ 50 फार्मर आ रहे हैं। तो ये हमने 60-60 एकड़ के 5 ब्लॉक 2 वरोड़ा में किए, 60-60 एकड़ के 2 आदासा में किए, और एक हमने पेट बांद्रा में किए। तो ये हमारा एग्रोविजन का हमने जो बेसिक काम है ये हमने यहाँ शुरू किया। इन्होंने हमें बंधन दे दिया था, इन्होंने सीड वगैरह सब हमने यहाँ एग्रोविजन से लगाया। तो ये एक कोलैबोरेटिव वर्क SABC और एग्रोविजन फाउंडेशन की तरफ से हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस किया, कि हर साल तो बाकी हम बताते हैं, अवेयरनेस तो कर रहे हैं, लेकिन अब फार्मर्स को हम दिखा देंगे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बोरकर साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रोजेक्ट जो इन्होंने डिस्कस किया अभी, इसका बेनिफिट फार्मर्स को किस हद तक, कितने समय तक पहुंचेगा? नहीं, इसमें एक्चुअली जिस उद्देश्य से हमने एग्रोविजन की शुरुआत की थी, हम तब भी कह रहे थे कि यहाँ का जो फार्मर है उसको नई टेक्नोलॉजी जो है उसको अपने खेती में प्रयोग लाने के लिए उसको हमने उद्युक्त करना है, या हम कहते थे कि उसको टू एजुकेट, एनकरेज एंड एम्पावर द फार्मर्स, इसके लिए शुरुआत थी। तो ये जैसे इन्होंने बताया कि इसमें पहले एजुकेशन का तो पार्ट आ ही गया, हम 3 साल से कर ही रहे थे कि गुलामी बोंडरे के लिए उसने क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या करने से उसका प्रादुर्भाव कम हो जाएगा, इसके बारे में हम 3 साल से उसको एजुकेट करते आए, हम उनसे बता पूरा अवेयरनेस उन्होंने कर दिया हमने, पर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम कम नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब था कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी टेक्नोलॉजी का, किसी नए इसका उपाय उठना करना आवश्यक था। तो जैसे अभी SABC ने हमको ये नया जो उन्होंने निकाली है तकनीक, कि जिसमें मेटिंग डिसरप्शन है, वो गुलाबी बोंडरे का मेटिंग ही ना हो,
ताकि वो अली मतलब वो नहीं होगी तो उसका दुष्परिणाम नहीं होंगे। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको अभी भी मान्यता मिली केंद्र सरकार के अनुसंधान से भी, तो उसका कहीं एक पहले जगह साइंटिफिक मतलब उसका एक एक्सपेरिमेंट होना आवश्यक था। तो यहाँ एग्रोविजन फाउंडेशन का जो है कि हमारा जो रीच है फार्मर के साथ में, तो हमने वो रीच को लेते हुए जो जैसे अभी माई साहब ने बताया, हमने वो दो गांवों में किसानों को पहले उनसे जाके मिले, उनको बताया कि ऐसा हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और एक्सपेरिमेंट पूरा साइंटिफिकली हो रहा है। इसमें SABC की टीम है, एग्रोविजन फाउंडेशन की टीम है और जो दो नई कंपनी इन्होंने जो बताया जो PI इंडस्ट्रीज है उनके जो लोग हैं, इन्होंने जो जिन्होंने ये बंधन बनाया है उनके भी लोग हैं और ये पूरा रेगुलर हमारा उसका जो डेटा कलेक्शन है, जैसे एक पौधे का लाइफ साइकिल होता है कि उतने दिन के बाद उसको लगाना है, तो बराबर उसी दिन हमारी टीम ने जाके उसको वहाँ लगाया है। फिर उन्होंने जैसे बताया कि जो फेरोमोन ट्रैप्स वहाँ पे लगाए हैं, तो एक बराबर पर्टिकुलर पीरियड में पूरी टीम जाती है वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेती है और ये सारा डेटा कलेक्ट करके इसका एक बहुत अच्छे ढंग से इसका रिपोर्ट बनेगा। तो इसका यदि ये सक्सेसफुल होता है तो इसको फिर हम लोग बाकी जो फार्मर्स है उनको भी बोलेंगे कि अगले बार से ये भी सब उसको आत्मसात करें, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने एग्रोजन फाउंडेशन का किया था कि अपने विदर्भ में जो एक मेजर क्रॉप है तो यहाँ कम लागत में उसका यदि उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना है तो उसका उत्पादन कब बढ़ेगा, एक तो उसकी उत्पादकता बढ़े, दूसरा उसका जो उत्पाद बढ़ता है तो उसमें किसी प्रकार का मतलब उसमें कोई उसमें डैमेज नहीं हो, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जब भी गुलाबी बोंडअळी का प्रादुर्भाव हुआ है तो भारी नुकसान ये कॉटन ग्रोवर्स को हुआ था, उनके प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा ड्रॉप आता है, वो जो बोंड होता है वो कपास उसमें अच्छे से बनता ही नहीं है। तो इसलिए ये सबसे मेजर प्रॉब्लम था, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका सॉल्यूशन अभी एग्रोजन फाउंडेशन ला रहा है और ये फार्मर जहाँ जो एक्सपेरिमेंट चालू है वहाँ के अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत एनकरेजिंग है। और हमने इसी के साथ साथ जो हमने कहा ना अभियान हर साल चलाते थे हम लोग कि ओवरऑल इसका अवेयरनेस भी बढ़े, तो अभियान का हम शुभारंभ कल करने जा रहे हैं। तो कल कलमेश्वर में ही अपने जो महाराष्ट्र के मंत्री से सुनील जी केदार इनके हाथों से हमारा अभियान का शुभारंभ होगा। तो 15 दिन हम लोग एक रथ बना के वो पूरे गांव में अपने विदर्भ में जाएगा, वो गांव टू गांव जाएगा, वहाँ छोटा फिल्म दिखाएगा, वहाँ पे उसका ऑडियो रहेगा, हम लीफलेट बांटेंगे कि किसानों ने क्या करना चाहिए ताकि इसका प्रादुर्भाव न हो। मतलब डायरेक्टली अभी तक बेनिफिट नहीं हमने काउंट किया क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उससे ये पता चल रहा है कि भाई जनरल फील्ड में प्रादुर्भाव उसका ज्यादा है। अब यहाँ हमारे इसमें अभी भी ट्रैप हो रहे हैं, उसका मेटिंग डिसरप्शन हो रहा है। हमें ये लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बाहर तो सक्सेसफुल हो गई, यहाँ सक्सेसफुल होने के चांसेस 99% है। अच्छा। इसमें हमें कॉन्फिडेंस है, इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले परमिशन दे दी है क्योंकि उन्होंने छोटे पैमाने पे प्रयोग ऑलरेडी किए थे। ये इतना बड़ा प्रयोग पहली बार भारत में इतने लार्ज स्केल में 300 एकड़ पे हम कर रहे हैं एग्रोविजन। दैट्स कॉम्प्लीमेंटिंग। सर आपने कहा जैसे CIBRC का अप्रूवल है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का अप्रूवल है, तो क्या इसके आपने साइड इफेक्ट स्टडी किया था सर पहले कि अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग द पेस्ट इंसान पर उसका क्या रिएक्शन हो सकता है? देखो जो फेरोमोन टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो कोई नई चीज़ को आप सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, जो केमिकल मादा रिलीज करती है एग्जैक्टली सेम केमिकल को आप यूज़ कर रहे हैं। इसके जो मुख्य जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं CIBRC के लिए, क्योंकि ये केमिकल कैटेगरी में आता है, कीटनाशक केमिकल कैटेगरी में आता है, तो भारत सरकार ने काफ़ी सालों तक इस पर जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जितनी रिसर्च होनी चाहिए वो पूरी की है और इसका किसी भी दूसरे इंसेक्ट्स पे, पेस्ट पे, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ह्यूमन पे, एनिमल पे, किसी भी तरह का फिश के ऊपर भी स्टडी किया। अच्छा। और परिणाम नहीं होता क्योंकि इनका जो एक जब हम दुष्प्रभाव की बात करते हैं तो एक LD50 करके पैरामीटर्स होता है, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है वो देखना पड़ता है। तो LD50? LD क्या है? लीथल डोज, जिसमें 50% टारगेटेड पेस्ट की डेथ हो जाए। लेकिन इसका जो LD50 है वो 5000 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट है, जबकि जो हम यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग जस्ट 140 मिलीग्राम, सो इट इज नोवेयर क्लोज, इट हैज नो, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, BT कपास को जब लाया गया था उसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडी हुई और BT कपास के जो संकर बीज आए जिसमें राशि सीड, माइको, ये सब कंपनीज ने मिलकर ये जो टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आए थे, बहुत सारे और अंकुर सीड्स, बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व थी। BT की वजह से पिंक बोलवॉर्म और जो हेलिकोवर्पा आर्मी जरा वो सब पूरे कंट्रोल हो गए थे, लेकिन क्योंकि किसान है उनके जो
कुछ क्राइटेरियाज थे जैसे रिफ्यूज लगाना वगैरह, लगाया नहीं तो पीबीडब्ल्यू ने उसके अगेंस्ट कुछ रेजिस्टेंस हमें कुछ एरिया में मिल रहे हैं। अब इस रेजिस्टेंस को आप क्योंकि सरकार नई तकनीक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसका अप्रूवल दे नहीं रही है, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि ऐसी नई तकनीक जो नेचुरल हो उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक में भी चले। हाँ, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक की बात बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं है ना आपको, कीटनाशक का उपयोग एकदम कम कर देगा, और बाकी कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। पहले बार जो लगाएगा ग्लोव्स पहन के लगा दिया उसने एक बार, बस खत्म हो गया, उसको हाथ लगाना नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई स्प्रे नहीं है। मतलब इसके शेल्फ लाइफ तो होंगे ना सर, ये जो केमिकल फेरोमोन का, तो इसका जो 140 मिलीग्राम हर रोप के अंदर जो केमिकल है ये 100 डेज तक रिलीज करता है। अच्छा। तो इसका जो पहला हमने टैगिंग किया है वो 50 डेज के ऊपर किया है, तो जब तक क्रॉप 150-160 डेज तक की होगी तब तक बॉन्ड एली का इस पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। बॉन्ड एली जो आती है वो 100 दिन के बाद आ जाती है। अच्छा। 100-100 दिन, और इसका इफेक्ट जो है 150 दिन तक है, और बांधते हम 40वें दिन से 50वें दिन तक। रफली क्या सेफ है, एकदम सेफ। रफली क्या डिस्टेंस पे इसको जनरली बांधा जाता है ताकि वो इकोनॉमिकली वायबल? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि किसानों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये टैगिंग कैसे करें। तो इसमें बहुत इजी है, हमें ये देखना होगा कि बड़ा एरिया हो, 70-80 एकड़ का मिनिमम, और उसके आपको बॉर्डर पे जो भी प्लांट है वहां तो बांधना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अंदर हर 25 स्क्वायर मीटर पे किसान 7-8 पांव चले और वहां जो प्लांट मिला उसमें एक लगा दे। तो तकरीबन हमने जो ये देखा है कि 160 रोप्स हैं पर एकड़, पर एकड़। लेकिन हमें इसको 50-60 एकड़ में एक साथ लगाना पड़ेगा, ताकि वो जो बॉर्डर पूरी लगाना और एकड़ में आप 150। सर विथ रेफरेंस टू कोविड मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि कोविड का जो फर्स्ट स्ट्रेन आया था वो सेकेंड स्ट्रेन के या लहर में वो म्यूटेंट हो गया था, रेजिस्ट हो गया था, इसी प्रकार इसका भी कुछ ऐसा कुछ होने के चांसेस है? पिंक बोलवर्म उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देगा कि एक नेचुरल सेक्स अट्रैक्शन है, इस वजह से नहीं होगा? देखो कोविड बहुत ही अलग अलग वायरस है, ये पेस्ट है, म्यूटेशन के चांसेस। नो, व्हेन अ वायरस कैन डेवलप रेजिस्टेंस, नो इट कैन म्यूटेट, इट कैन म्यूटेट, म्यूटेट। ये म्यूटेशन करने इसके चांसेस बहुत रेयर है, क्योंकि इट्स एन इंसेक्ट, और ये इसको रेजिस्टेंस कब डेवलप होता है, कंटीन्यूअसली जब वो खाएंगे केमिकल को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, बट दिस इज नॉट ए केमिकल, दिस इज ओनली ए समथिंग व्हिच रियम सॉर्ट ऑफ थिंग। ये क्या कर रहा है, ये मेटिंग नहीं हो रहा है, मतलब इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू अ फेक थिंग, एक फॉर्मेशन नहीं हो रहा मतलब, बस इम्पोर्टेंट वो वेदर इट लिव्स और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो एग फॉर्मेशन कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसकी आप इसका मच्छर से कंपेयर कर सकते हैं, ये जो हमारे डेंगू के मच्छर है इसको भी आप एक फॉर्मेशन बंद कर देंगे ना, तो उसका प्रोडक्शन पॉपुलेशन कम करना। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसानों को बताना चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी की सस्टेनेबिलिटी बहुत लॉन्ग है, क्योंकि ये फीमेल फेरोमोन है, केमिकल है, और ये इसे कोई रेजिस्टेंस अगर उसके अंदर कुछ अगर कुछ चेंजेस भी आते हैं तो मेटिंग के लिए ये सिग्नल, ये केमिकल एक सिग्नल है नर को आकर्षित करने का, और ये हम जो टैग कर रहे हैं ये पूरी हवा को आवेशित कर देगा वो खुशबू से जो मादा देती है, तो नर है उस खुशबू के घूमेगा, और क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल होता है नर, तो आफ्टर सम टाइम वो अपना मर जाएगा, पैरिश हो जाएगा, तो पॉपुलेशन बनेगा ही नहीं। देखो पॉपुलेशन नहीं बनेगा तो कीटनाशक का उपयोग कम हो गया, बहुत कम हो जाएगा, किसान जो स्प्रे करता है लेबर लगाता है वो कम हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ जो बॉन्ड है क्वालिटी उनकी इंप्रूव हो जाएगी, सीड क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो हर तरीके से इसका बेनिफिट किसानों को मिलेगा। सर क्योंकि ये विदर्भ की बात आपने प्रोजेक्ट यहाँ शुरू की है, तो व्हाट इज द स्पेशल रीजन कि आपने विदर्भ में क्यों स्टार्ट किया इसको, ऑल ओवर इंडिया का? हमारा एक तो ऑल इंडिया का नहीं, हमारा एक ये था कि विदर्भ में हम जो एग्रोविजन फाउंडेशन के माध्यम से पहले हमारा जो टारगेट है, हम जैसे हमारे बोरटकर साहब ने अभी बताया कि हम हमारे फार्मर्स विदर्भ में हमने पहले एग्रोविजन शुरू किया। इस क्यों किया, क्योंकि यहाँ विदर्भ के फार्मर्स को बहुत सारे सुसाइड कंसेप्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो सोच रहे थे कि भाई हमारा क्रॉप फेलियर हो रहा है, और इनके कौन से क्रॉप थे, दो ही क्रॉप, सोयाबीन नहीं तो कॉटन और तूर थोड़ा सा लगा देते, कोई भी फेलियर हो गया कि किसान एकदम उद्वस्त हो जाता। तो इसलिए हम हमारे माननीय गडकरी साहब ने जो सोचा कि पहले हम ये करें, इनको एजुकेट करें कि भाई आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, तो डाइवर्सिफिकेशन
न्यू टेक्नोलॉजी लानो, एजुकेट जो कह रहे थे एजुकेट करो, उनको एनकरेज करो, डोंट गेट नर्वस, एंड थर्ड थिंग इज इनको एम्पावर करो. अब ये जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं इन्होंने बताया, ये इन्होंने बताया, ये एम्पावरमेंट टेक्नोलॉजी. आज हमने क्या किया, ये कुछ साल से हमारा जो एग्रोविजन चल रहा था उसके माध्यम से लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड जो मैकेनिज्म है वो आ रहा है. अब देखेंगे आप कि लोग सोचे नहीं यार अभी हम बोलवर्म भी कंट्रोल कर सकते, नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत यह हो गया कि उसको नर्वसनेस आ रहा है, यार मेरा तो चला गया, जैसे सिट्रस में होता है वो मेरे फ्रूट्स जा रहे हैं पूरे, क्या करूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ये मैकेनिज्म हमने काम किया है. क्या ऐसा अपने विदर्भ में जो छोटे किसान हैं जिनके पास इरिगेशन की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, उन सबके लिए मेजर क्रॉप जो है कॉटन का ही है, उनका पूरा लाइवलीहुड जो है वो कॉटन के इस पर डिपेंड है, उनका कितनी उनसे उत्पादकता होती है, कितने उनको पैसे मिलते हैं. तो इसलिए हमने सोचा कि जब कॉटन के बारे में कोई नई टेक्निक है तो उसका पहले विदर्भ में ही उसका एक्सप्लोर करना चाहिए, यहाँ उनको ज़्यादा रिलेवेंस उसका ज़्यादा है यहाँ पर. राइट सर, बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल जैसे ऑरेंज क्रॉप जो है कोलशी से अफेक्ट होता है, तो इनके लिए भी कुछ इस किस्म के केमिकल्स डेवलप. बहुत अच्छा पूछा आपने, इतने बड़े पैमाने पर नहीं पर छोटे पैमाने पर हमने ऑरेंज के लिए भी शुरू कर दिया है. अच्छा, अब उसको भी ये पहला छोटा प्रयोग होता है तो उसको बड़े इसमें ले जाएंगे. एक कोई हर्बल बनाने वाली कंपनी है, उनका अभी ट्रायल पे हमने 15 किसानों के साथ हुआ है सिर्फ, पर अभी मेरे ख्याल से हमारा पूरा ध्यान जो हमारे कॉटन पे है, पर ऑरेंज की तरफ भी हमको मालूम है कि ऑरेंज भी यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी हम कर रहे हैं. मतलब एक का छोटा ट्रायल अभी चालू है, ये काटोल के आसपास ही चालू है उसका, क्योंकि वही मेजर बेल्ट है. एक ईशा एग्रो करके कंपनी है, उनके साथ उन्होंने बनाया है, वो चालू है, छोटा ट्रायल चालू, छोटे से ये भी हो जाता है तो फिर हम उसको बड़े पैमाने पे लेंगे. क्रॉप में कुछ ना कुछ एक मेजर प्रॉब्लम है तो पहले उसको टैकल करना पड़ेगा कि उसकी इंटेंसिटी आप कैसे कम करेंगे. जैसे अभी कॉटन में वो बाकी तो हम कंट्रोल कर सकते पेस्ट, ये कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था ना, तो इसको टारगेट करें. इसमें जैसे सिट्रस में है ये जो अभी आ रहा है कोलशिया, ये प्रॉब्लम फल के नीचे आ जाते हैं ना, तो ये तो आप ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, बायोलॉजिकल है ये तो आता रहे, तो इसको हम टैकल करने के लिए और फार्मर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये जो अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, ये करते मुझे लगता है कि एग्रोविजन फाउंडेशन का एक अभी हमारा जो यश मानते हैं हम कि भाई ये जो अब लोगों में जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना उसको हम बोलते हैं कि हमारा यश है. क्योंकि हम हर एक का उत्पादन तो हम बढ़ेगी नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं कंट्रोल, हाँ मतलब उसका कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कुछ नया करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए, और उसने अच्छे डेडिकेशन से अपने आप को मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा तो 100% एनकरेज होगा तो मिलना ही, एम्पावर हो जाएगा वो. यदि वो एनकरेज हो जाता है कुछ अच्छा करने के लिए तो एम्पावर हो जाएगा वो. ऐसा है सर, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप तीनों ने जो कहा कि एक हार्मलेस टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें क्षति कुछ नहीं पहुंच रही किसी इंसान को, किसी क्रॉप को. कब तक आप ये एक्सपेक्ट करते हो रिजल्ट सर? कॉटन फसल का जो सीजन है शॉर्ट रहता है. हमारा अभी जो है ये ऑब्जर्वेशन तो शुरू है, लेकिन हमारे प्रिलिमिनरी रिजल्ट जो है अभी अक्टूबर एंड नवंबर में हमें आना शुरू हो जाएंगे, और हमें ये पता चलेगा कि इसमें कितना इफेक्टिविटी हम ला सकते हैं. हमने कंट्रोल प्लॉट भी रखे ना कि जहां बंधन लगाया नहीं उससे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, और हमें पता चलेगा कि इसकी इफेक्टिविटी. तो मुझे लगता है कि अक्टूबर से हमारे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे. हम आपके माध्यम से फिर आएंगे और आपको डेटा भी बताएंगे कि भी इसका कितना इफेक्ट हो रहा है. प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल बात, क्योंकि एक्चुअल कंपैरिजन तो जब होगी जब इसका एक पूरा मतलब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा जो कॉटन का यील्ड पूरा आ जाएगा, जैसे ये 300 एकड़ जो है उसका कंपैरिजन कि जो कंट्रोल्ड है वहाँ कितना उत्पादन हुआ, जो हमने नहीं किया था वहाँ कितना युद्ध हुआ, उसका जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कितना डेटा तैयार है. 300 एकड़ पे यूनिवर्सिटी में क्या रहता है, छोटे छोटे प्लॉट रहते हैं, 2 एकड़ का, 1 एकड़, ये 300 एकड़ का हम जो फार्मर्स का पार्टिसिपेशन से कर रहे हैं डेटा. हाँ, और इसका उस सर ने बहुत अच्छा बताया कि इसका मुख्य जो है ना कारण ये है कि इसमें फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट है. मतलब कोई स्टूडेंट, कोई सिर्फ प्रोफेसर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 1 एकड़ में, ऐसा नहीं है. देखो जो पूरा कार्यक्रम है वो एग्रोविजन के साथ मिलके पहले गांवों की पंचायत में मीटिंग्स की, ग्राम पंचायत से सब कुछ शुरुआत की है. किसानों को बुलाया, उनकी पूरी भागीदारी रही, उनको पहले बताया गया कि हम क्या करना चाहते हैं,
उनको लगा बहुत ही एक्साइटिंग चीज है और उसे लिख के लिया क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो बोले हाँ लिख के देंगे हम ताकि ऐसा ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए उनको कि मतलब एवरीथिंग वाज ऑन पेपर समर से शुरू किया है कॉटन लगाने के पहले एक महीना पहले हम जाते रहे वहाँ मतलब वो ग्राउंड प्रिपरेशन से लेके हम इन्वॉल्व है ग्राउंड प्रिपरेशन से लेके हाँ ये करना फार्मर्स को इकट्ठा नहीं बुलाते थे 50-50 अलग अलग फार्मर बुलाते थे और ये उनको हमने कन्विंस किया कि ये टेक्नोलॉजी है वो उनको ये पता है कि भाई हम हर साल हमारा नुकसान तो हो ही रहा है वो बोले साहब बिल्कुल 100% आपके चैनल के माध्यम से जैसे डॉक्टर माही साहब बता रहे हैं रवि जी बता रहे हैं मैं राज्य सरकार को और भारत सरकार के कृषि विभाग को उनके मंत्रियों को पवार साहब को पर्टिकुलरली या आपके महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि कपास महाराष्ट्र के रीढ़ की हड्डी है तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृषि विभाग के जो आयुक्त हैं या जो वैज्ञानिक कम्युनिटी के जो मेन लोग हैं वो आए फील्ड में जब गुलाबी बोंडेले की समस्या दूसरे जिलों में बढ़े तब आके देखें और हमें भी मार्गदर्शन दे और इसमें क्या हम नया कर सकते हैं इससे कितना बेनिफिट हो रहा है और इस तकनीक को कितने लार्जर स्केल के ऊपर कीटनाशक के उपयोग को कम करने के लिए करके और आगे लेके जाया जा सकता है जिससे कि यहाँ के जो किसान है जो उनको हर साल एक एकड़ के अंदर जो एक 10,000-8,000-10,000 रुपये पर एकड़ उनका पेस्टिसाइड का स्प्रे जो हो रहा है जो बढ़ रहा है 5-6-7 पेस्टिसाइड स्प्रे होने लग गए उसको उनसे निजात मिले और क्लीन एग्रीकल्चर हो अच्छी क्वालिटी का कपास हो जिसे कि किसान को अच्छे भाव मिले हमारा जो बुनियादी इसके पीछे जो मेन मकसद है वो किसान की आय को उसके उत्पाद की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कृषि विभाग के सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि आए विजिट करें और खुद अपनी आंखों से देखें क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में जुड़े और ये जो पीबी नोट टेक्नोलॉजी है इसका क्योंकि जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सरकार का एंगेजमेंट नहीं होगा तो इसको आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है आपने जैसे कहा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथ साथ में अगर ब्यूरोक्रेसी भी इसमें शामिल हो जाए तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज वैसे हमारे इसमें अभी भी ये प्रोजेक्ट में भी जैसे यहाँ कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको साथ में वो भी हमारे साथ है मतलब अनुसंधान करने वाले भी साथ में है पीडीकेवी के लोग भी हमारे साथ में है तो सब मिलके प्रयोग अच्छा हो रहा है और मतलब ठीक है बाकी लोग भी जैसे उन्होंने कहा जो लोग और पॉलिसी मेकर से वो भी आना चाहिए उन्होंने भी देखना चाहिए और कर का कार्यक्रम जो हो रहा है वो उसी दिशा में है सुनील केदार जी जो आ रहे हैं ताकि वो पॉपुलैरिटी उसको और बढ़े तो वी एक्सपेक्ट सर कि अक्टूबर तक आप एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए और बाद में जनता में फैलाएं एक मैसेज चलते रहते आपका क्या रहेगा सर इन्होंने तो बहुत सुंदर मैसेज दिया नहीं हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो किसान की आय दुगनी जो करनी है ये हमारे एक मानस है पंत प्रधान जी का उस मानस के माध्यम से हमें सरकार हो या हमारे फार्मर्स हो या जो हमारे साइंटिस्ट है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इनको एक काम करना जरूरी है कि किसान का जो लागत है वो कैसे कम किया जाए लागत कम हो और फिर दुगत ये जो उनके प्रोडक्शन डबल हो ये हमारा सोच है और इस दिशा से अभी हमें काम करना पड़ेगा और ये जो हम टेक्नोलॉजी लाए वो उसका एक हम सोचते हैं कि रीड की हमारा एक मेन हमारा उसमें आइटम है तो सर, मैं आपको मैसेज तो नहीं पूछूंगा मैं क्योंकि इन दोनों ने अच्छे मैसेज दिए आपके फ्यूचर एम्स के बारे में बताइए तो मैं ये यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एग्रोविजन की शुरुआत जिस उद्देश्य से हुई थी मतलब माननीय नितिन जी गडकरी ने बोला था कि यहाँ के किसानों को जैसे मैंने शुरू में भी कहा एजुकेट एनकरेज और एम्पावर करना है या नए तकनीक के बारे में बताना है तो ऐसे कुछ अच्छे एग्जांपल हमने किए हैं जैसे डेयरी में एनडीडीबी के आने के बाद जो डेयरी फार्मर्स उनके लिए काफ़ी अच्छा एक वातावरण यहाँ बना है गन्ना जो पहले विदर्भ में होता नहीं था 20 कारखाने बंद लग के फेल हो चुके थे पर जब यहाँ नितिन जी ने गन्ने का कारखाना मतलब चीनी मिल लगाई और हम लोग अभी गन्ने के बारे में यहाँ लोगों किसानों को मतलब बताना शुरू कर दिया एग्रोजन के माध्यम से तो आज पश्चिम महाराष्ट्र के बराबर यहाँ गन्ना की उत्पादकता अपने यहाँ पे है 100-100 टन एकड़ में लेने वाले किसान भी है और वैसे ही जो यहाँ के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है जैसे आपने कहा कि संतरा है कॉटन है इसके बारे में भी हमारे प्रयास चालू है और अभी एग्रोजन के माध्यम से हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में मतलब हॉर्टिकल्चर हो फ्लोरिकल्चर हो या कुछ नया यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में काफ़ी काम कर रहे हैं वो अभी जैसे बायोमास के बारे में है कि बायोमास से कुछ और मतलब एनर्जी बनाए अल्टरनेट फ्यूल के बारे में इथेनॉल के बारे में ज़्यादा काम हो रहा है तो जिससे यहाँ की रूरल इकोनॉमी अच्छी हो
किसानों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा पहुंच सके, उनकी आय ज़्यादा बढ़े, दुगनी हो, ज़्यादा अच्छी हो, इसके लिए जो प्रयास एग्रोजन फाउंडेशन करता है, मेरे ख्याल से अभी उसके कुछ अच्छे फ्रूट्स दिख रहे हैं और अभी यहाँ के किसान भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी है और हमको इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। तो हमारे आगे के उद्देश्य, जैसा आपने पूछा मुझे, हम किसानों के लिए एक एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, ताकि एक अच्छा बड़ा सेंटर बने। नितिन जी की इच्छा है कि जहाँ पे अत्याधुनिक लैब होगी वहीं पे ऑडिटोरियम होगा, वहीं पे उनके लिए मतलब छोटा हॉस्टल होगा, तो जो अलग अलग चीज़ों के लिए जो हम लोग एक्सपर्ट है, साल में एक बार उनको नहीं लाते हुए, साल भर में जब जब जिस जिस चीज की आवश्यकता है उस विषय में वो किसानों के ग्रुप को वहाँ मार्गदर्शन मिले और वो हक से आए कि हमारे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप इनको हम सॉल्यूशन दो, हम उनका हेल्प करो, तभी मतलब होल्डिंग करना चाहते हैं। तो हम सब लोग मिलकर उस पर प्रयास करें। ये बहुत ही, ये जो इनका जो विजन है, क्योंकि मैं तो विदर्भ का नहीं हूँ, मैं राजस्थान से आता हूँ, जोधपुर से, बट यू कैन कैरी दिस आइडिया। लेकिन मैं आई कैन टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विजन है वो बहुत ही फोरसाइटेड विजन है, इसलिए क्योंकि विदर्भा और महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, देश के अंदर जो कृषि का निर्यात होता है उसके अंदर महाराष्ट्र नंबर वन है। चाहे आप फ्रूट्स की बात करो, वेजिटेबल की बात करो, डॉक्टर माई और हम अपीडा के बोर्ड मेंबर भी रहे, निर्यात को बहुत नज़दीक से देखा है। तो मुझे ऐसे लगता है कपास आज जो निर्यात हो रहा है उसमें महाराष्ट्र का सबसे बड़ी भागीदारी है। तो ये जो आपकी मुख्य क्रॉप्स है वो कैसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम आए, जो तंत्र ज्ञान है, तकनीक, सरकार में कभी क्या ब्यूरोक्रेसी में तकनीक थोड़ा अवर्स रहते हैं, वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे हमेशा जो नई तकनीक आती है 20 साल बाद में आती है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो एक्सेप्ट करें जल्दी। अभी भगीरथ जी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं एक आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा कि भगीरथ जी, अभी 11 अक्टूबर को हम अपीडा के साथ मिलके, अपीडा के मतलब जो अभी करंट डायरेक्टर डीजी जो होंगे, हेड जो है वो भी नागपुर आ रहे हैं, नितिन जी भी रहेंगे, हम लोग यहाँ के किसानों के लिए मतलब उनका कैसे एक्सपोर्ट करें, वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप एंड एग्रो प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर एक वर्कशॉप ले रहे हैं 11 अक्टूबर को ही ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के किसान भी अपने मतलब फल है, सब्जी है या बाकी उसके जो उत्पाद है उसको भी कैसे एक्सपोर्ट करें, उसके लिए हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा विषय निकाला था कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा है यहाँ पे, तो उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग, और ये न्यू इनसाइट्स आप इसी तरह देते रहेंगे किसानों को, ताकि इट विल बी अ इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट फॉर देम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।